सारे भाइयों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम, नमस्कार। भाइयों, कल सीआरपीएफ की साइट में आप लोग ले सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी आया है, तो इस वैकेंसी में कौन कौन एलिजिबल है, क्या है, उसकी बारे में आप लोग को विस्तार बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखिए, यदि वीडियो अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो को जरूर देखिएगा और आप लोग जाके crpf.nic.in में जाके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करके आप लोग पूरा सारे जानकारी ले सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले ये बात बता देना चाहता हूँ, ये जो वैकेंसी आया है ये उन्हीं लोगों के लिए है जो जिनकी पिताजी हो, जो रिश्तेदार में जो उसमें आता है, ठीक है। तो उन लोगों का जो CRPF में शहीद हो गए हैं कहीं, चाहे तो ड्यूटी के दौरान, चाहे कहीं बीमार होके डेथ किए हैं, अगर कोई भी सुइसाइड भी किए हो ड्यूटी के दौरान, तो उन लोगों के लिए ये, उनकी बच्चों के लिए ये वैकेंसी आया है, ठीक है, मिनिस्ट्रियल की। तो इसके बारे में आप लोग को बता देता हूँ, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो फिर आप लोग की वीडियो देखने का जरूरी क्या है, इसके बाद आप लोग का ओपन की आ जाएगी, मतलब सारे लड़कों ने दे सकते हैं उसमें कोई भी, ठीक है, उसमें कोई भी आप लोग का रिलैक्सेशन नहीं रहेगा। इसके बाद जो जैसे ओपन भर्ती आ जाएगी, ओपन भर्ती में आप लोग सेम रहेगा, तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, जो कि आप लोग को ओपन भर्ती के समय आप लोग को काम आएगा, समझ गए। चले दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो देख लीजिए। भाइयों, ये जो है crpf.nic.in रिक्रूटमेंट सेक्शन से आप लोग ये चीज़ इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं आप लोग को इसको, ये इंग्लिश में नोटिफिकेशन आए तो मैं आप लोग को हिंदी में समझाने के लिए इसके बारे में आप लोग को बता रहा हूँ। सबसे पहले इसमें लिखा गया है कंपनस यूनिट ग्राउंड में स्पेशल रिक्रूटमेंट हो रहा है, मतलब कंपनस यूनिट मतलब जो अनुकंपा भर्ती है। अनुकंपा भर्ती उन लोगों को होगा जो डिपेंडेंट मेंबर है, चाहे महिला हो या पुरुष प्रार्थी हो, जिनका जो रिश्तेदार है, चाहे डेथ किए गए लड़ाई के दौरान लापता हो, चाहे मेडिकली अनफिट हो के बोर्ड आउट हो, या कहीं सुइसाइड में डेथ किया हो, तो उन लोगों के लिए ये रिक्रूटमेंट एग्जाम दे सकते हैं। तो अपना डिपेंडेंट कौन रहेगा, उत्तराधिकार जो कौन है, एक इधर आपका पत्नी जो शादी की, उनका पत्नी नहीं तो बच्चा, लड़का या लड़की, चाहे आप अडोप्टेड किए हो, ठीक है, उनको भी एग्जाम देने की मौका मिलेगा। अनमैरिड ब्रदर सिस्टर, ठीक है, जो भाई और बहन शादी नहीं किया है, यदि वो भाई जो नौकरी किया है वो यदि शादी नहीं किया हुआ हो तो उनको मौका मिलेगा। यदि वो भाई शादी कर लिया हो, उनका वाइफ है या उनका बच्चा है, उनको मिलेगा ये भर्ती देने के लिए मौका, ठीक है। इसमें देख लीजिए भर्ती का जो वैकेंसी है 38 पोस्ट है, ठीक है। तो इसको एप्लीकेशन कब तक पोस्ट में डालना पड़ेगा, 15/10/21, ठीक है, ऑफिस में आप लोग 15 अक्टूबर तक आप लोग पहुंच जाना चाहिए। तो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो आप लोग जानते हो, ठीक है, 10th+2, ठीक है, आप लोग बस पास करना चाहिए। इसमें आप लोग जानते हो, मैं कई बार बोल चुका हूँ, 18 से 25 साल एज मांगता है, उसके बाद 35 वर्ड पर मिनट आप लोग को मांगता है, और हिंदी जो है 30 वर्ड में मांगता है, जो 10,500 की डिप्रेशन, मतलब एक की दबाना, मतलब सपोज आप लोग एक वर्ड लिख रहे हो राम, RAM, तो राम, ठीक है, राम मतलब तीन, ठीक है, एक ब्लॉक लेटर, ठीक है, ब्लॉक लेटर में लिखना पड़ेगा राम, तो उसको 4 की डिप्रेशन माना जाए, क्योंकि आर में 2 एक शिफ्ट की दबाना पड़ेगा और एक कौन सा ब्लॉक की दबाना पड़ेगा, उसको होगा RAM, तो 4, ठीक है, कीवर्ड होगा। तो मैं आपको उसके बारे में बढ़िया से वीडियो बना दूंगा टाइपिंग टेस्ट के बारे में, तो आप लोग बढ़िया से जान लोगे। इसके बाद जो हाइट है 165 cm, ठीक है, तो मैं आप लोग को इसके लिए वीडियो बनाने के कारण यही है, भाई आप लोग ये वीडियो देख लो, इसके बाद आप लोग का जो ओपन भर्ती आ जाएगी, ठीक है, डायरेक्ट भर्ती आ जाएगी, तो इसलिए देख लो। तो इसका जो रिटर्न मार्क 225 का मार्क, ठीक है, 50 मार्क की होगा इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज, 50 मार्क का जनरल इंटेलिजेंस जो रीजनिंग होता है, 50 मार्क का मैथ का, 50 मार्क का क्लरिकल एप्टीट्यूड जो कि रीजनिंग जैसा, और बाकी जो 25 मार्क पहले इंटरव्यू होता था उसमें बस एसे और लेटर राइटिंग होगा, ठीक है। तो रिलैक्सेशन दे सकते हैं, हाइट को 7.5 cm रिलैक्सेशन दिया जाता है, कुछ ग्राउंड में 6 cm और 5 cm एक्सपैंड तो करना पड़ेगा। जो विधवा है उनको 15 साल रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है, और जो महिला मेल कैंडिडेट है उनको 40 साल तक 15 ईयर रिलैक्सेशन है, ठीक है।
तो इसके बाद आप देख लीजिए परफॉर्मा, एप्लीकेशन का परफॉर्मा, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन का परफॉर्मा, तो दोस्तों मैं इस वीडियो बनाने का कारण यही था, ठीक है। तो आप लोग ये जानना जरूरी है तो किस तरह आप लोग का रिक्रूटमेंट आगे होने वाला है, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत चेंज है, उसमें आप लोग को डायरेक्ट रहेगा, मतलब आपको 35 वर्ड इंग्लिश में मारना पड़ेगा, 30 वर्ड हिंदी में बस मारना पड़ेगा, ठीक है। इधर आप इंग्लिश में मार सकते हो, हिंदी में। दूसरा बात है, आप लोग को क्या करना पड़ेगा, आप लोग जो रिटन टेस्ट होगा 225 मार्क का रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए, इसके बाद आप लोग का भर्ती आ सकता है। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।